प्रश्न सात, सरल करें। प्रश्न सात का तीसरा है, इक्यासी का घात 1/2 गुना 81 का घात 1/2 प्लस 2। तो यह है प्रश्न, इसको सरल करना है। 81 का घात 1/2 गुना 81 का घात 1/2 प्लस 2। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का वर्ग, क्योंकि 9 नमा 81 होता है, 9 गुना 9 81 होता है। तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 का वर्ग, और 81 का घात है 1/2, तो 9 ये पूरा पे घात दे देंगे 1/2। ठीक है, देखिए 1/2 इस तरह लिखें या इस तरह से लिखें, एक ही बात है। तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 का वर्ग और पूरा पे घात है 1/2, तो इस तरह लिख लेंगे गुना। अब देखिए यहाँ पे मंझला कोष्ठक दे देंगे। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का घात 2। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का घात 2, और 81 घात है 1/2, तो पूरा पे हम घात दे देंगे 1/2 प्लस 2, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो 81 को लिख लेंगे 9 का घात 2, यहां भी 81 है तो इसको भी लिख लेंगे 9 का घात 2। बस 81 को हम इस तरह यहां पे लिख लेंगे। अब जो होगा, अब क्या है, घात पे घात है, देखिए 9 का घात 2 और पूरा पे घात है 1/2, तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे, यानी 9 का घात 2 गुना 1/2 गुना 9 का घात 2 और पूरा पे घात 1/2 है तो घात को गुना कर लेंगे, यानी 9 का घात 2 गुना 1/2, तो इस तरह लिख लेंगे। अब 2 गुना 1/2 यानी 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुना 1/2 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आया, 9 का घात 1, तो 9 का घात 1 क्या होगा, 9 होगा। यहां पे 9 का घात 1 क्या होगा, 9 होगा जोड़ 2। देखिए 2 से 2 कट गया, 1 बचा, तो 9 का घात 1 क्या होगा, 9, फिर 2 से 2 कट गया, 9 का घात 1 क्या होगा, 9 होगा, इस तरह लिख लेंगे। तो 9 गुना 9 प्लस 2 क्या होगा, 9 2 11, तो 9 प्लस 2 11 लिख लेंगे, तो 11 नमा 99, तो इसका उत्तर होगा 99। प्रश्न चार, तो प्रश्न चार है, 64 का घात 1/3 गुना 64 का घात -1/3 माइनस 64 का घात 2/3, तो 64 का घात 1/3 गुना 64 का घात -1/3 माइनस 64 का घात 2/3, यह है प्रश्न। तो 64, तो 64 चार का घन है, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है, देखिए 3 यहाँ पे बटा में, इसीलिए हम
64 को 4 का घन लिख लेंगे, यानी 4 का घात 3। तो 4 का घात 3 64 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 का घन है 64। तो हम 4 का घन ही क्यों लिखेंगे, 8 का भी तो वर्ग है, तो 8 का वर्ग क्यों नहीं, क्योंकि देखिए बटा में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 होगा तो आसानी से कट जाएगा 3 से 3, इसीलिए 4 का घन के रूप में इसको लिख लेंगे। तो 4 का घात 3 और पूरा पे घात कितना है, 1/3। उसके बाद यहाँ पे मंझला कोष्टक दे देंगे, तो 64 किसका घन है, 4 का घन है, तो यहाँ पे भी 4 का घन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बटा में 3 है, तो 4 का घात 3 और पूरा पे घात -1/3 माइनस 64 को क्या लिख लेंगे, 4 का घन यानी 4 का घात 3 और पूरा पे घन है 2/3, पूरा पे घात है 2/3, देखिए 64 का घात 2/3 है, तो 64 को हम लिख लेंगे 4 का घन, क्योंकि बटा में 3 है, तो गुना करेंगे तो 3 से 3 आसानी से कट जाएगा। तो इस तरह हम लिख लेंगे सबको 64 को। अब क्या करेंगे, तो घात पे घात है, देखिए 4 का घात 3 और पूरा पे घात 1/3, तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे, यहाँ भी घात को गुना कर लेंगे, यहाँ भी घात को गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 4 का घात 3 गुना 1/3, 4 का घात 3 और पूरा पे घात है -1/3, तो 4 का घात 3 गुना -1/3 माइनस 4 का घात 3 गुना 2/3, इस तरह लिख लेंगे। सब जो घात है वो गुना हो जाएगा, क्योंकि घात पे घात है तो सबको गुना कर लेंगे घात को। अब यहाँ पे देखिए 3 गुना 1/3 है, तो 3 से 3 कट गया, 3 गुना -1/3 है, तो 3 से 3 कट गया, 3 गुना 2/3 है, तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा, तो बच गया 4 का घात, देखिए यहाँ पे 1 है, तो 4 का घात 1 क्या होगा, लिख लेते हैं 4 का घात 1, यहाँ पे बचा 4 का घात -1, तो यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, माइनस 4 का घात 2 बचा यहाँ पे, तो 2 लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 4 का घात 1 क्या होगा, 4, और 4 का घात -1 क्या होगा, 1/4, माइनस 4 का घात 2 क्या होगा, 4 × 16, तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए 4 का घात 1 4 होगा, 4 का घात -1 1/4 होगा, माइनस 4 का घात 2 क्या होगा, 16, 4 का घात 2 16 होगा, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 गुना 4 लघुत्तम लेंगे, देखिए 4 लघुत्तम ले लेंगे, 1/4 -16 है, तो 4 लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पे तो 1 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है नीचे, माइनस अब यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, तो 4 लघुत्तम है, तो 16 और 4 गुना हो जाएगा, यानी 16 × 64, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना, अब देखिए 64 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो घटाएंगे, 1 में से 64 को घटाएंगे, यानी छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटाएंगे, तो माइनस में उत्तर आएगा, यानी माइनस, अब 64 में से 1 गया तो 63, यानी -63/4, तो 1 में से 64 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -63, तो 4 गुना हो गया -63/4, कोष्ठक हटा देंगे तो गुना का चिन्ह आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, -63, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बराबर -63, तो इसका उत्तर आ चुका है -63।
पांचवा प्रश्न, तो प्रश्न सात का पांचवा है 25 का घात 5/2 माइनस 25 का घात 7/2 बटा 25 का घात 3/2। यह है प्रश्न। तो 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, तो 25 को लिख लेंगे 5 का घात 2। देखिए 25 को हम क्या लिख लेंगे? 5 का घात 2, क्योंकि 5 का वर्ग है 25। ठीक है, 5 गुना 5 25 होता है, तो 25 को 5 का वर्ग लिख लेंगे। तो 25 का घात कितना है? 5/2, तो इसमें हम घात दे देंगे 5/2। ठीक है, यहाँ पे बटा का चिन्ह देंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, यहाँ पे भी 25 है, तो 25 को हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, तो 25 को लिख लेंगे 5 का घात 2, और पूरा पे घात दे देंगे 7/2। इस तरह लिख लेंगे। फिर यहाँ पे भी 25 है, तो इसको भी लिख लेंगे 5 का घात 2। 5 का घात 2 और पूरा पे घात कितना है? 3/2। इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे 25 है वहाँ पे क्या लिख लेंगे? 5 का घात 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? 5 का घात 2 और पूरा पे घात 5/2 है, 5 का घात 2 पूरा पे घात 7/2, 5 का घात 2 पूरा पे घात 3/2 है, तो घात पे घात है, तो घात पे जब घात है तो घात को गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 का घात 2 गुना 5/2 माइनस 5 का घात 2 गुना 7/2 बटा 5 का घात 2 गुना 3/2। इस तरह लिख लेंगे, यानी घात को गुना कर लेंगे, 2 गुना 5/2, 2 गुना 7/2, 2 गुना 3/2। तो देखिए 2 गुना 5/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा, 2 गुना 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। कितना बचा? तो बच गया 5 का घात 5 माइनस 5 का घात 7। देखिए 5 का घात 5 बचा, यहाँ पे 7 बचा, यानी 5 का घात 7 बटा 5 का घात 3। तो कितना आ गया? 5 का घात 5 माइनस 5 का घात 7 बटा 5 का घात 3। अब देखिए ये दोनों में 5 का घात 5 माइनस 5 का घात 7 है, तो 5 का घात 5 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बच जाएगा? 5 का घात 5 को कॉमन ले लिए, यानी बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे 5 का घात 5 है, तो इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बच जाएगा, तो 1 लिख लेंगे। माइनस 5 का घात 7 में से 5 का घात 5 कॉमन हो गया, बाहर निकल गया कोष्टक के बाहर, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 बाहर निकल गया, तो 7 में से 5 गया 2, यानी 5 का घात 2 बच जाएगा यहाँ पे, बटा 5 का घात 3। इस तरह लिख लेंगे। फिर से देखिए 5 का घात 5 माइनस 5 का घात 7 में, तो 5 का घात 5 दोनों में है, देखिए 5 का घात 5 यहाँ भी है, 5 का घात 5 इसमें तो होगा ही, क्योंकि 5 का घात 7 है, तो 5 का घात 5 को कॉमन ले लिए, तो जब 5 का घात 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी 1 लिख लेंगे, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे। माइनस 5 का घात 7 में से 5 का घात 5 कॉमन हो गया, तो 7 और 2 5 और 2 क्या होता है? 7, यानी 5 का घात 2 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 का घात 7 में से 5 का घात 5 कॉमन हो गया है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए 5 का घात 5 माइनस 5 3 गुना 1 माइनस 5 का वर्ग क्या होता है? 25, 5 गुना 5 क्या होता है? 25,
तो इस तरह लिख लेंगे, 5 का वर्ग यानी 5 गुना 5 25, ठीक है। अब 5 का घात 5 ऊपर में है और हर में है 5 का घात 3 यानी भागा में है। देखिए 5 का घात 5 बटा में है 5 का घात 3, तो भागा में रहने पे क्या करते हैं, जब आधार बराबर हो, जैसे आधार यहाँ पे 5 है यहाँ भी 5 है, तो आधार बराबर हो भागा में होने पे क्या करते हैं, घात को घटा लेते हैं, तो 5 का घात 5 - 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया, तो आ गया 5 का घात 2। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का घात 2 गुना, अब 1 - 25, तो 25 के साथ माइनस का चिन्ह है, 1 प्लस में है तो माइनस में उत्तर आएगा, तो 1 में से 25 गया तो -24, यानी 25 में से 1 गया 24, और 25 के साथ माइनस का चिन्ह है यानी बड़ा संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, तो -24। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 गुना -24, अब इसको गुना कर देंगे तो 25 गुना -24 कितना हो जाएगा, 25 गुना -24, तो देखिए 25 चौक 100, 25 चौक 100, हाथ में रहा 10, 25 दूनी 50 10 60, यानी -600 होगा, क्योंकि 24 माइनस में है 25 प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी -600, ये -600 इसका उत्तर होगा, ठीक है, -600 इसका उत्तर होगा।